हेलो व्यूवर्स, बहुत बहुत स्वागत है इस हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रोडक्ट में कैसे इमेज अपलोड करें, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाएं और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको अपडेट मिल पाए फ्यूचर का। और व्यूवर्स, अगर आप अभी तक हमारे कम्युनिटी चैनल्स में नहीं ऐड हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिख रहा होगा, उस लिंक से जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ऐड हो सकते हैं, जहाँ पे हम लोग वहाँ पे सोर्स कोड या फिर कुछ कोई भी तरह का दिक्कत का डिस्कशंस करते हैं। तो जाएं जल्दी से, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, आप वहाँ से हमारा टेलीग्राम चैनल्स में ज्वाइन हो सकते हैं गाइज। तो चलिए अब अपना कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो कोडिंग स्टार्ट करने के लिए हम लोग STS पहले से ही ओपन कर लिए हैं, तो इस STS को हम ओपन कर चुके हैं और हम एक पहले से ही क्लास बना रहे थे प्रोडक्ट अपलोड का, तो उस वाले क्लास को हम चाहेंगे कि डिलीट कर दें। तो चलिए करते हैं डिलीट। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट में हम लोग काम कर रहे हैं, ई कॉम बैक एंड। और इस प्रोजेक्ट में जो हम लोग अपलोड फाइल, यहाँ पे जो ये दिख रहा है, ये अपलोड फाइल बनाया है, इसी अपलोड फाइल को हम लोग आज डिलीट करने वाले हैं, डिलीट करेंगे अभी। तो डिलीट करने के लिए हम सर्विस में बनाए थे अपलोड फाइल। अब यहाँ पे आके हम इसको डिलीट बटन पे प्रेस करेंगे। डिलीट बटन प्रेस करने के बाद हमको एक ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा जो कि कुछ ऐसा डिलीट वाला हो रहा होगा, उसको जस्ट ओके हम क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, तो हमारा ये डिलीट हो चुका है, तो फ्रेश हमारा हो चुका है। ठीक है, राइट, यहाँ पे हम जाएंगे Ctrl+N बटन हम प्रेस करेंगे, या फिर हम Ctrl+N बटन ना प्रेस करके हम डायरेक्टली यहाँ पे इसी वाले ई कॉमर्स जो यहाँ पे दिख रहा है इस पे हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको ऊपर में ऑप्शन दिख जाएगा न्यू, इस न्यू वाला ऑप्शन में जाके यहाँ पे हमारे पास क्लास का एक ऑप्शन दिखेगा, इस वाले क्लास पे हम क्लिक करेंगे और ये क्लास का इंटरफेस हमें मिल जाएगा। इसमें हम क्लास का नाम लिखेंगे फाइल। अब नोटेशन लगाना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा जो क्लास है वो सर्विस क्लास होने वाला है, तो हम यहाँ पे सर्विस एनोटेशंस लगा चुके हैं अब। और फिर तो अब हमारा सर्विस क्लास ये बन चुका है। अब इसमें हमारा एक मेथड बना, रिटर्न टाइप देंगे जो वो हमारा होगा स्ट्रिंग। और यहाँ हमारा फिलहाल एरर दे रहा है, इसके वजह से हम साइन कर लेंगे रिटर्न और ये नल, तो हमारा ये साइन हो चुका है। अब हमारे पास यहाँ पे दो चीज आ रहा होगा पैरामीटर में, जो कि कंट्रोलर से आ रहा होगा, स्ट्रिंग URL और मल्टी पाथ। यहाँ पे हमारे ये हमारा मल्टी MultiMEMMULTI मल्टी पाथ फाइल आ रहा होगा और ये हमारा फाइल हो जाएगा। तो जनरली ये वाला इंपोर्ट नहीं, इस वजह से एरर दे रहा है, इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे और यहाँ पे हमारा ये इंपोर्ट हो चुका है। अब बेसिकली हम यहाँ पे कर रहे होंगे क्या कि हमारे पास ये जो फाइल मिल रहा होगा, जो कि हमारा पोस्टमैन से अपलोड हो रहा होगा, तो इसका ओरिजिनल फाइल का नाम हम पहले फेच कर लेंगे। तो उसके लिए हमें जो file.get तो ये ओरिजिनल ओरिजिनल आ रहा होगा कुछ, हाँ गेट ओरिजिनल फाइल नेम ये आ रहा है, यहाँ से हमारा ओरिजिनल फाइल नेम हम गेट कर लेंगे और हम एक वेरिएबल में इनिशलाइज कर लेंगे जिसका नाम रहेगा ओरिजिनल फाइल नेम। तो हम इस फाइल से इस फाइल का नेम गेट कर लिए और इसको यहाँ पे स्टोर कर लिए। ठीक है, अब यह इतना दूर करने के बाद हमें एक्चुअली हमारा ये यहाँ पे जब भी फाइल हम किसी पे अपलोड कर रहे होंगे, और जनरली हमारे पास मान लो मोबाइल मोबाइल का दो प्रोडक्ट हो गया और उस प्रोडक्ट को हम अपलोड कर रहे हैं, तो उस समय हमारा पेज तो आ गया मोबाइल और फिर हमारे पास कुछ और रहेगा मोबाइल, और मान लीजिए बाई चांस हमारे पास दोनों सेम मिल जाता है तो फाइल नेम हमारे पास क्या आ जाएगा मोबाइल, और डेटाबेस में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट क्रिएट हो जाएगा। तो उसके लिए हम चाहेंगे कि हम जो भी फाइल नेम आ रहा होगा उसमें हम कुछ आईडी वगैरह क्रिएट कर देंगे ताकि यूनिकली पता चल पाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यू आईडी का एक क्लास होता है, उससे हमें रैंडम रैंडम यू आईडी को हम कॉल कर लेंगे और इसको हम टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, और टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद हम इसको असाइन कर देंगे एक वेरिएबल में
जो कि हमारा स्ट्रिंग है, और फिर रैंडम इमेज नेम, रैंडम इमेज नेम करके रहेगा यहाँ पे। तो ये हम, इससे हमारा एक नया स्ट्रिंग हमारा आ जाएगा, और हम ये स्ट्रिंग को कुछ आगे कर रहे होंगे। अब यहाँ पे हमारा जो भी ये आएगा रैंडम, एक नया नाम जनरेट होके आएगा, उसी नाम को हम यहाँ पे, तो ये हमारा हो चुका है जो रैंडम इमेज नेम है। इसका स्पेलिंग थोड़ा हम चाहेंगे कि अच्छे से रखें, रैंडम। तो इसी इमेज में हम कुछ और ऐड करेंगे, तो रैंडम रैंडम इमेज नेम डॉट कॉन्केनेट, इसमें हम कॉन्केनेट कर रहे होंगे कुछ, मतलब ऐड कर रहे होंगे। और तो ये जो एरर दे रहा है, इसके वजह से दे रहा है, सेमी कोलन यहाँ पुट कर देते हैं। और यहाँ पे कॉन्केनेट में हम जो ओरिजिनल फाइल नेम आ रहा होगा, जो कि हाँ ओरिजिनल फाइल नेम हमारे पास आ रहा है डॉट, इसका हम क्या करेंगे, लास्ट इंडेक्स हम निकाल लेंगे, या फिर इसको सब स्ट्रिंग भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसको हम कर क्या लेंगे, डॉट सब स्ट्रिंग कर लेंगे। और सब स्ट्रिंग करने के बाद हम बेसिकली, सब स्ट्रिंग करने के बाद हमारे जहाँ कहाँ पे सब स्ट्रिंग करेंगे, जहाँ पे हमको डॉट दिख जाएगा, तो फिर से हम लिखेंगे ओरिजिनल ओरिजिनल डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ यहाँ पे डॉट। बस बेसिकली हम यहाँ इस लाइन ऑफ कोड में हम ये करना चाह रहे हैं, हम एक बार एक्सप्लेन ये कर दे रहे हैं। हम इस लाइन का कोड में हम जो रैंडम एक्सिस, जो यहाँ से हम ये जेनरेट कर पा रहे हैं रैंडम स्ट्रिंग, उस रैंडम स्ट्रिंग में हम क्या कर रहे हैं, कॉन्कनेट कर रहे हैं कोई और स्ट्रिंग को, और वो कौन सा स्ट्रिंग होगा, जो ओरिजिनल फाइल नेम हमारा जो पोस्टमैन से आ रहा होगा, उस फाइल नेम को हम क्या कर रहे हैं, सब स्ट्रिंग कर ले रहे हैं। उस जहाँ पे हमको डॉट दिखेगा, लास्ट इंडेक्स से जहाँ पे हमें डॉट दिखेगा, वहाँ से हम सब स्ट्रिंग कर लेंगे, और हम यहाँ पे इसको कॉन्कनेट कर लेंगे। ठीक है, मतलब हम अगर एग्जाम्पल में दे बोलना चाहें तो, जैसे कि ये यू आई डी, जैसे कि कुछ भी जनरेट किया, ये यहाँ पे हमारा जनरल इसमें आ गया। ठीक है, ये रैंडम रैंडम एक्सिस में आ गया इसमें, तो यहाँ पे हमारा रैंडम एक्सिस में आ चुका है। अब हमारा जो फाइल नेम है, तो फाइल नेम का लास्ट वाला जो रहेगा वहाँ डॉट, जैसे जे, तो बेसिकली हमारा ये गलती ये हो रहा था, फाइल का ऐप छोटा था, तो हम फाइल का ऐप बड़ा कर लेंगे, फाइल डॉट सेपरेटर मिल जाएगा, और हम यहाँ पे सेपरेट कर देंगे, ताकि कोई हमारा एक दो स्टूडेंट है जो कि लाइनेक्स में बनाता है, तो उसको इसमें एरर आने का चांसेस था, तो मैंने ये सोचा कि चलो चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम रैंडम एक्सिस वाला जो है उसको हम ले लेंगे, तो हमारा जो है ये रैंडम वाला यहाँ पे जो आ रहा है, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे इस रैंडम को, और सेपरेटर के साथ हम प्लस, मतलब कॉन्केनेट हो जाएगा ये। ठीक है, और फिर विथ एक्सटेंशन यहाँ पे जो कॉन्केनेट किए हैं, और यहाँ पे हम कॉन्केनेट करके एक नया स्ट्रिंग में हम रख लेंगे, या हाँ बिल्कुल, एक कॉन्केनेट करके हम ये कॉन्केनेट करके स्ट्रिंग में नहीं रख, बिल्कुल हम यहाँ कॉन्केनेट करके एक स्ट्रिंग में रख लेंगे रैंडम इमेज नेम विथ एक्सटेंशन के साथ। तो इसी चीज को हमें यहाँ पे लिखना है, जो फाइल सेपरेटर है, जो भी फाइल सेपरेटर यूज होगा, उसके साथ में हमें ये एक्सटेंशन वाले को कॉन्केनेट कर देना है यहाँ पे, और ये हमारा कॉन्केनेट हो चुका है। और यहाँ पे हम ये कर लेंगे, और यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, स्ट्रिंग मिल जाएगा, जो कि स्ट्रिंग फुल फोल्डर फोल्डर फाइल और न्यू फाइल, तो ये हमारा रहेगा।
और यहाँ पे जो है वो पाथ भी हम सेंशन करेंगे। तो यहाँ पे पाथ, यहाँ पे हम चाहेंगे यूआरएल की जगह फोल्डर फाइल जो कि हमारे पास रहेगा फोल्डर फाइल डॉट एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करेगा वो तो हम नहीं बनाना है हमको, और एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम बनाएंगे। अगर नॉट एग्जिस्ट तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, फोल्डर फाइल FOLDR फोल्डर फाइल डॉट मेक डायरेक्ट्री, तो ये हमारा डायरेक्ट्री बन जाएगा। तो बेसिकली बस इतना ही सा था। अगर फोल्डर हमारे पास नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। इट मीन्स अगर हमारे पास पहले से ही फोल्डर बना हुआ रहेगा तो नहीं बनेगा। अगर फोल्डर नहीं बना हुआ रहेगा तो ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा, और ये इस वाले कोड से हमारे पास एक फोल्डर बन जाएगा उस वाले पाथ में। और जब फोल्डर बन गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइल डॉट, तो एग्जैक्टली हमारा यहाँ पे फाइल्स होगा, और इस वाले फाइल्स को हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। तो अभी भी एरर्स हमारा गया नहीं है, तो अब बेसिकली क्या एरर है एक बार हम ये देख लेते हैं। हाँ एग्जैक्टली हमें यहाँ पे अगर फाइल नहीं मिलता है, फुल पाथ वगैरह फाइल नहीं क्रिएट कर पाता है, तो एक्सेप्शन थ्रो करेगा, जो कि इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन है, या फिर हम इसको यहाँ पे भी हम लिख के रख सकते थे ट्राई कैच में। तो हम कोशिश करेंगे कि ट्राई कैच में ही करें। हम लोग एक्सेप्शन ऑलरेडी हम समझ के चल रहे हैं, जो यहाँ तक पहुँचा है वो एक्सेप्शन पढ़ के ही आया होगा। तो बस ये हमारा एक्सेप्शंस में आ गया, ठीक है। तो हमारा ये ट्राई कैच में आ गया, और ट्राई कैच वाला अगर ये नहीं रन करता है तो ये वाला एक्सेप्शन क्रिएट करेगा, और ये हमारा एक कंसोल्स में भी मैसेज चाहेंगे तो हम लोग दे सकते हैं, लॉग भी कर सकते हैं। बस तो इतना सा कोडिंग में हमारा क्या हो जाएगा कि ये क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे, जो कि रैंडम एक्सिस विच एक्सटेंशन वाला है, उसको हम लोग यहाँ से इसको रिटर्न कर देंगे अगर सारा कुछ सक्सेसफुली क्रिएट होता है तो। यहाँ पे कंट्रोल भी कर दिए, तो एग्जैक्टली हमारा इस वाला कोडिंग पे कंप्लीट हो चुका है। कंट्रोलर डिलीट हो चुका था तो हमने कंट्रोलर को फिर से रिकवरी किया है। तो अब हम यहाँ पे आएंगे, और इस कंट्रोलर पे आने के बाद हम एक्चुअली अभी प्रोडक्ट कंट्रोलर में, प्रोडक्ट कंट्रोलर हमारे प्रोजेक्ट से बाय मिस्टेकली डिलीट हो चुका था, तो हमारा जो गिटहब में था वहाँ से मैं डाउनलोड करके यहाँ पे मैं पेस्ट करके ले आया हूँ। और ये आपको जो दिख रहा है, यहाँ पे हम जो फाइल बनाए हैं उस फाइल को हम ऑटो वायर करेंगे, जो कि ये फाइल ऑब्जेक्ट, ताकि हमें इसका बिन मिल पाए। तो कि फाइल अप ऐसा प्राइवेट होगा, और एक्चुअली ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि अभी इंपोर्ट नहीं है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और फाइल अपलोड को ई कॉमर्स से सर्विस से हम अपलोड या आई मीन इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने के बाद हमें यहाँ पे एक एनोटेशंस यूज करना होगा, जिसका नाम है ऑटो वायर। और ये हमारा ऑटो वायर एनोटेशंस यूज होने के बाद बेसिकली हमारे पास ये ऑटो वायर्ड हो जाएगा, और फिर उसके बाद हमें कुछ यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये जो है बेसिकली हमारे पास हो चुका है ऑटो वायर। तो हम फाइल अपलोड का एक मेथड यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे, जिससे कि हम अपना कंट्रोलर में जो रिक्वेस्ट आएगा पोस्टमैन से, सबसे पहले इस पे आए, उसके बाद फिर हम सर्विस पे भेजेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक हम प्रोडक्ट, तो ये हमारा हो गया, ये हमारा फंक्शंस होगा, ठीक है, जिसमें हमारा ये मेथड होगा जिसमें हम अपलोड फंक्शंस वाला सारा कुछ क्रिएट कर रहे होंगे। तो ये बीच में इसको हम हट कर दिए, और तो ये हमारा मेथड हो गया, जिस मेथड को हम यूआरएल से जो मैपिंग कर देंगे, तो बेसिकली हमारा ये पोस्ट मैपिंग ही होने वाला है, क्योंकि हमारे पास ये आ रहा है प्रोडक्ट को हमको अपलोड करना, इसी वजह से। तो प्रोडक्ट इमेज को अपलोड करना है, तो प्रोडक्ट स्लाइस इमेजेज, और फिर कौन सा इमेज में हमको प्रोडक्ट आईडी
पुट करना है। तो स्लाइस यहाँ पे कौन सा इमेज के कौन सा प्रोडक्ट टाइप में इमेज को अपलोड करना है उसके लिए हम प्रोडक्ट आईडी लिख लेंगे। तो बेसिकली इतना हमको लिखने के बाद ये हमारा यूआरएल बन जाएगा। तो हमेशा के जैसा हम लोग रिस्पॉन्स कस्टमाइज करने के लिए हम वॉइड नहीं रिस्पॉन्स एंटिटी का यूज करते थे। तो रिस्पॉन्स एंटिटी हम रिटर्न आर ई टी यू आर एन रिटर्न नल से हम एनालाइज कर लेंगे ताकि हमें एरर ना मिले। और इतना सा हमें करने के बाद हमें जो यहाँ पे आ रहा है ये जो हमारे पास आ रहा है प्रोडक्ट आईडी ये पाथ वेरिएबल से आ रहा है। इस वाले को सबसे पहले हम क्या करेंगे रख लेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा एट द रेट पाथ वेरिएबल और जो कि इसका नाम हमारे पास सेम रखना पड़ेगा। तो हम इंट और इस वाले प्रोडक्ट आईडी को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो प्रोडक्ट आईडी का नाम से हम फैच कर चुके हैं जो कि प्रोडक्ट आईडी हमें यहाँ मिल चुका होगा। अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी करने के बाद एक कॉमा प्रेस करके हम इंटर प्रेस कर दिए ठीक है ताकि जो भी हम लिख पाए उसको आपको विजिबिलिटी हो पाए। और इंटर कॉमा प्रेस करने का मतलब ये फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हो गया जो हम अभी लिखेंगे यहाँ से वो तो आपका सेकेंड आर्ग्यूमेंट होगा ठीक है। तो जैसा सेकेंड आर्ग्यूमेंट होगा वो रिक्वेस्ट परम नाम से आ रहा होगा रिक्वेस्ट REQUEST रिक्वेस्ट परम जिसका नाम हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे आपका इससे जिसका हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो ये आ रहा हुआ इसको हम रख देंगे डक्ट प्रोडक्ट इमेज नाम से हम इसको इनिशियलाइज कर लेंगे। और यहाँ पे जो आ रहा होगा हमारा वो मल्टी पाथ से आ रहा होगा मल्टी पाथ फाइल और इसको हमको मल्टी पाथ को क्या करना होगा यहाँ पे आके इंपोर्ट करना होगा मल्टी पाथ को। और हमारे पास एरर अब ख़त्म हो जाएगा जैसे ही हम इंपोर्ट करेंगे। तो बेसिकली दो पैरामीटर हो गया ये इसमें हमारा तो थोड़ा सा हाँ दो पैरामीटर हो गया जो कि फर्स्ट पैरामीटर में ये हमारा प्रोडक्ट आईडी और दूसरा पैरामीटर में जो फॉर्म के टाइप में हम डेटा को भेज रहे हैं वही हम यहाँ पे फॉर्म के टाइप में डेटा को रिसीव कर रहे हैं जिसका नाम ये है ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको यहाँ तक कोई एरर्स या कोई नहीं समझ में आने का परेशानी हुआ होगा। उसके बाद फिर हमारा जो रहेगा जो प्रोडक्ट आ रहा है उस प्रोडक्ट को हम लोग फैच करेंगे दिस डॉट तो दिस डॉट अब यहाँ पे दिख रहा है प्रोडक्ट सर्विस डॉट फाइंड बाई आईडी। तो फाइंड बाई हमारे पास एक प्रोडक्ट सर्विस में हम देख लेंगे प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए हमने क्या क्या बना के रखा है। तो ओपन ओपन प्रोडक्ट सर्विस और क्रिएट प्रोडक्ट गेट प्रोडक्ट तो गेट प्रोडक्ट के नाम से है तो हम यहाँ पे आ जाएंगे डॉट डॉट गेट प्रोडक्ट और प्रोडक्ट आईडी हम पास कर देंगे यहाँ पे डॉट और एल्स थ्रो यूज करें क्या या फिर एल्स थ्रो बाद में भी यूज कर सकते हैं हम लोग अभी इनिशियलाइज कर देते हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट मिल चुका है तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाएगा। और उसके बाद फिर हमें क्या करना पड़ेगा कुछ नहीं स्ट्रिंग और फिर इमेज नेम इक्वल टू नल। इमेज नेम हम शुरू में भी क्या ले लेंगे नल ले लेंगे। स्ट्रिंग का एस छोटा है जिसके वजह से एरर दे रहा था तो ये हम लोग एक यहाँ पे स्ट्रिंग नल ले लिए ठीक है। अब हम चाहेंगे यहाँ पे हम जो भी यूज करें वो ट्राई कैच के ब्लॉक के अंदर ही लिखें ताकि हमें कुछ एरर वगैरह ना दिखे क्योंकि यहाँ पे हमारा एक्सेप्शन आने का संभावना है। तो
हम यहाँ पे कैच और ट्राई के ब्लॉक के बीच में लिखेंगे। तो यहाँ पे जो दिख रहा है वो एक्सेप्शंस वाला में हम ले लेंगे पैरेंट क्लास को एक्सेप्शन ई, और यहाँ पे हम प्रिंट ई डॉट प्रिंट प्रिंट स्टैक कर देंगे, जो कि स्टैक प्रिंट कर पाए, जो कुछ भी एरर आएगा वो उसको। ठीक है, अब हम आ गए हैं इमेज में। तो दिस डॉट फाइल, दिस डॉट फाइल अपलोड डॉट, जो भी हम लोग मेथड बनाए हैं अपलोड फाइल, तो अपलोड फाइल यहाँ कर लेंगे, जिसमें से इमेज नेम, इमेज पाथ जो कि फर्स्ट है इमेज पाथ, और दूसरा फाइल चल जाएगा और यहाँ पे एरर नहीं आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि इमेज नेम क्यों लेंगे हम, इमेज पाथ लेंगे, वहाँ पे तो हम लोग कंट्रोलर में पाथ बोले थे, ताकि हम अगर अगर दिखा पाए फाइल फोल्डर ओपन है, तो यहाँ पे हमने बोले थे पाथ, और यही पाथ में हम जाके क्या कर रहे थे, फोल्डर को क्रिएट कर रहे थे, यही पाथ में हम लोग क्या करें ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, यही पाथ में हमारा इस ऑब्जेक्ट फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, यही पाथ में हमारा ये फोल्डर क्रिएट होगा, तो इस वाले फोल्डर में। अब यहाँ पे हम कंट्रोलर पे आ जाए, तो हमें अब यहाँ पे इस पाथ मिल कहाँ से रहा होगा, वो पाथ हमें इम्पोर्टेंट है। तो उस पाथ के लिए हम आ जाएंगे सबसे टॉप लेवल पे, जिसपे से फंक्शंस के बाहर आ जाएंगे, जहाँ पे ऑटो वायर वगैरह किए हैं यहाँ पास। और उसके बाद फिर हमें यहाँ पे स्ट्रिंग, हम यहाँ पे लिख लेंगे STRING स्ट्रिंग, और जो फाइल का नाम है वो इमेज, देखिए सारा बाहर में हम प्राइवेट यूज करते हैं, तो गया था। तो एक्चुअली हम आ जाएंगे और अपना ऊपर वाले पे स्क्रॉल कर लेंगे, और ये कहीं पे एरर मुझे देखने को मिला, ये इमेज पाथ, ये इमेज पाथ नहीं मिल पा रहा है इसको, तो इस वाले पाथ से हम इसको मैच कर देंगे। तो एग्जैक्टली हम जो यहाँ पे पाथ ला रहे होंगे, ये एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी से ला रहे होंगे। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे, अब इसको सेव कर लेंगे, एरर तो हट जाना चाहिए, लेकिन एरर, हाँ एरर रिमूव हो चुका है यहाँ से। अब हम अगर देखें एरर रिमूव हो चुका है, अब यहाँ पे हम आ जाएंगे और अपना एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी पे चल जाएंगे, जो कि मेन पे नहीं दिख रहा है। यहाँ पे रिसोर्स में आने के बाद एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी दिख गया। अब यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी हम ओपन कर लेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट डॉट पाथ डॉट इमेज, इमेज लिख लेंगे प्रोडक्ट डॉट इमेज, और यहाँ पे हमारा जो इसका एड्रेस होगा, तो जो एड्रेस हम देंगे वो दे देते हैं SRC/SRC मीन्स यहाँ पे SRC जो दिख रहा है, ये वाला SRC पास आएगा, और यहाँ पे ही फोल्डर हमें बनाना है। तो SRC प्रोडक्ट्स और फिर इमेज, तो इस वाले पाथ को हमें अपने कंट्रोलर में यूज करना है। तो हम कैसे यूज कर पाएंगे, मतलब कि इस, ये क्या हो गया, एक वेरिएबल हो गया, इसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से, और इसको हमको यहाँ पे अपना कंट्रोलर में यूज करना है, जो कि प्रोडक्ट कंट्रोलर है। तो यहाँ प्रोडक्ट कंट्रोलर में आ जाएंगे, और फिर हमें यहाँ पे वैल्यू यूज करना है। तो हम एग्जैक्टली वो वाला जो पाथ है, वो उस वाला वैल्यू को हम यूज करने के लिए, हमें ये दिख रहा है यहाँ पे एक हम एनोटेशंस का यूज करेंगे, एट द रेट, पेस्ट कर देना, पेस्ट नहीं करना था, एट द रेट वैल्यू नाम का एनोटेशन दिखेगा आपको, और उस वैल्यू नाम का एनोटेशन को हम यहाँ पे लिख लेंगे, और लिखने के बाद हमारा वैल्यू जो आ रहा होगा कुछ यहाँ से आ रहा होगा, जो कि हम एक ऐसा ये डॉलर वाला साइन हम लगा लेंगे डॉलर, और डॉलर वाला साइन लगाने के बाद जो हम कॉपी किए थे वहाँ से उसको हम इसमें पेस्ट कर देंगे, जो कि प्रोडक्ट। तो ये क्या करेगा कि वहाँ से जो हमारा एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल के में जो पाथ है, वो पाथ को यहाँ पे लाएगा और ये इनिशियलाइज कर देगा। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि हम जो कंट्रोलर में पाथ बनाए थे, वो पाथ कहाँ से आ रहा था, और फिर ये फाइल कहाँ से आ रहा है। अब उसके बाद जो हमारा रहेगा नेक्स्ट, तो बेसिकली ये हमारा रिटर्न क्या करेगा, एक स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा। तो
तो अपलोड इमेज नाम का एक स्ट्रिंग है जो रिटर्न करेगा जब इमेज को अपलोड हम कर लेंगे उसके बाद। तो फिर हमें इसे क्या करना होगा, जो स्ट्रिंग आ रहा है तो पहले तो हमारा कुछ और प्रोडक्ट का इमेज का नाम होगा, तो हमें अब इमेज प्रोडक्ट का जो इमेज है उसको अपडेट करना है। तो हम एक प्रोडक्ट को पहले फैच कर चुके हैं, तो डॉट सेट इमेज कर लेंगे, और मे बी इमेज में हम करेंगे क्या कि इस वाला जो इमेज नेम आ रहा है उसको हम यहाँ पे रख देंगे, इस वाले को हम यहाँ पे कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे। तो ये इमेज एक्चुअली यहाँ इमेज में भी कुछ एरर्स है, और वो एरर्स आपका यहाँ प्रोडक्ट में जाएंगे हम, और प्रोडक्ट का डिक्लेरेशन टाइप और इमेज जो आपका होगा सेट है, सेट नहीं रखना है इमेज। इमेज बेसिकली हम सिर्फ जैसे कि सबका रखे हैं इमेज वैसे ही इमेज रखेंगे, इसी वजह से एरर है। जो कि इमेज का टाइप होगा प्रोडक्ट में वो आपका स्ट्रिंग ही होना चाहिए, तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग कर देंगे, स्ट्रिंग, और फिर ये स्ट्रिंग इमेज। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी दो एरर दे रहा होगा, तो कोई बात नहीं, ये एरर को भी हटा देते हैं और इस वाले एरर को भी हटा देते हैं, और सोर्स में जाके गेटर सेटर्स जो दिख रहा होगा आपको, ये गेटर सेटर्स इमेज वाला, इसको हम सेलेक्ट करके और हम गेटर सेटर्स जनरेट कर लेंगे डाइट सीट्स। अब हम वापस आ जाएंगे अपना प्रोडक्ट कंट्रोलर में, और अब देखेंगे तो एरर हमारा गोन हो जाएगा, इट मीन्स एरर चल जाएगा, मतलब हम प्रोडक्ट में इमेज, प्रोडक्ट में जो इमेज था उसको हमने सक्सेसफुली सही से सेट कर चुका है। अब सेट कर देने के बाद हमें जो प्रोडक्ट आ रहा है ये यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एक प्रोडक्ट को हम क्या कर रहे हैं अपडेट कर रहे हैं, मतलब कि इमेज को अपडेट कर रहे हैं, तो उस अपडेट वाला को हमको फायर करना होगा प्रोडक्ट सर्विस। तो दिस डॉट प्रोडक्ट सर्विस डॉट अपडेट प्रोडक्ट और प्रोडक्ट आईडी, और इस वाले प्रोडक्ट को हम यहाँ पे पास कर देंगे, तो इस वाले वहाँ पे डेटाबेस में रिफ्लेक्ट होगा। अब उसके बाद इसको एक नया वेरिएबल में असाइन कर लेंगे जो कि प्रोडक्ट डीटीओ होगा, और उसके बाद इतना कुछ करने के बाद हमें क्या करना होगा, एक्सेप्ट वगैरह सारा कुछ हो चुका है। अब हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, अगर यहाँ तक सारा कुछ सही होता है तो यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे, तो रिस्पॉन्स एंटिटी, रिस्पॉन्स एंटिटी, और रिस्पॉन्स एंटिटी में हम जो यहाँ पे रिटर्न करेंगे वो टाइप अभी छोड़ देते हैं, और यहाँ पे जो रिस्पॉन्स एंटिटी ये दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे ये रिटर्न भी लगाना पड़ेगा, RETURN रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी। अब इसका टाइप हम ओमिटेड रखते हैं, और जो रहेगा वो यहाँ पे अपडेट प्रोडक्ट फर्स्ट, और ये वाला सक्सेसफुली होगा, तो अपडेट प्रोडक्ट, और फिर यहाँ पे HTTP स्टेटस, HTTP स्टेटस डॉट एक्सेप्टेड, तो ये हमारा हो जाएगा अगर सारा कुछ सक्सेसफुली काम कर रहा होगा तो। अगर नहीं करेगा तो हम इस वाले पार्ट में आएंगे और यहाँ पे हम मैसेज भी दे देंगे, तो रिस्पॉन्स एंटिटी और उसी का जैसा पहले रिटर्न RETURN रिटर्न न्यू, और फिर यहाँ पे हम जनरली लिखेंगे क्या कि हमारा, हम यहाँ पे एक अपना मेथड को ये करना चाहेंगे कि मैसेज कस्टम मैसेज देना चाहेंगे, तो हम कुछ यहाँ पे ऐसे मैसेज भी दे पा रहे होंगे जो कि, तो यहाँ पे हम आएंगे और एक्चुअली यहाँ पे आने के बाद हम पहले सेमी कॉलम पुट कर लेंगे न्यू, और यहाँ पे एक हमें मिलेगा क्या कि मैप नाम का एक मिलता है फंक्शन,
मेथड मैप ऑफ हम ले लेंगे और की पेयर वैल्यू में हम मैसेज को प्रिंट कर देंगे बस। तो यहाँ पे ऑफ में एक यहाँ पे ये ले लेंगे और ये ले लेंगे, ठीक है। और दूसरा में यहाँ पे HTTP स्टेटस जो होता है वो ले लेंगे, और यहाँ पे एक्सेप्टेड की जगह हम कुछ लिख देंगे इंटरनल सर्वर एरर डॉट इन इंटरनल सर्वर एरर। अब हमारा यहाँ का भी एरर्स गॉन हो चुका है, ये रिटर्न जो नल है इसको हटा देंगे, ये सारा एरर्स खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे MESSAGE मैसेज, और मैसेज के अंदर लिख देंगे फाइल फाइल नॉट अपलोड इन सर्वर डेट सीट, बस इतना सा करना है। और हमारा प्रोग्राम ये कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीटली हमने बढ़ा दिया है प्रोग्राम्स को, और इसको एक बार सेव कर लेंगे, फिर हम रन करेंगे और टेस्टिंग का। एक्चुअली मैंने सारा कुछ टेस्टिंग कर लिया है। बेसिकली हमारा दो चीज यहाँ पे छूटा हुआ था। एक यहाँ पे अगर आप आ जाओगे फाइल में, तो इस फाइल में आपको दिख रहा होगा ये चीज मिसिंग था, पाथ यहाँ पे मिसिंग है। तो इस वाले पाथ अगर मिसिंग रहेगा तो आपको फोल्डर में इमेज नहीं जाएगा, ठीक है। इसीलिए फुल पाथ हमें क्रिएट करना है। इस वाले पाथ में हमारा कुछ आ रहा है जो हम कंट्रोलर से ले रहे थे। यहाँ पे अगर देखें एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में जाके देखें, 1 सेकेंड, यहाँ पे आ गए हमारा एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी, ये दिख रहा है। यहाँ से हमने पाथ क्रिएट किया था कुछ, हाँ ये वाला पाथ हमने रखा था SRC। इस वाले पाथ में हमारा फाइल अपलोड में यही पाथ यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं वैल्यू का एनोटेशन यूज करके। ये कंट्रोलर मिलेगा, कंट्रोलर से मैं यहाँ भेज दे रहा हूँ। यहाँ से इसमें हमारा ये वाला पाथ मिल रहा है। तो ये पाथ एक्चुअली मेरा मिसिंग था, जिसके वजह से नहीं हो पा रहा था। अब मैंने ये पाथ सुधार दिया तो अपलोड हो पा रहा है। और दूसरा चीज मिसिंग था यहाँ पे फाइल में, जैसे कि एस में हम लोग मेक डायरेक्टरी शिफ्ट कर दिए थे, एस हम नहीं लगाए थे, यहाँ पे मैसेज छूट गया था। तो एस छूटने की वजह से होता क्या है एक्चुअली, क्योंकि हम लोग जो यहाँ बना रहे हैं, दो बना रहे हैं प्रोडक्ट के अंदर इमेजेस बना रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर। तो इसी वजह से यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट पहले बनेगा उसके बाद इमेजेस, मतलब दो फोल्डर बनेगा, तो उसमें एस लगाना पड़ेगा, डायरेक्टरीज डायरेक्टरीज, ठीक है। इतना कुछ करने के बाद सारा कुछ सही रहेगा। और एक बार एक चीज और हम दिखाना चाहेंगे जो कि प्रोडक्ट सर्विस में रहेगा, जो कि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा स्क्रीन कर देते हैं। और ये हम क्या कर रहे हैं, अपडेट प्रोडक्ट को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी एक चीज हमारा छूटा हुआ था, जो छूटा हुआ था हम कवर कर दे रहे हैं। यहाँ पे आ जाएंगे हम सर्विसेस में, और ये यहाँ पे सर्विस, ये क्लास, ये सर्विस क्लास है। तो अपलोड प्रोडक्ट, अपडेट प्रोडक्ट हम खोज लेंगे यहाँ पे, जो कि ये दिख रहा है अपडेट प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पे जनरली मॉडल क्लास का यूज नहीं किए थे शुरू में समझाने की वजह से। तो मेरा में भी यहाँ पे इमेज नेम वाला छूटा था, अपडेट इमेज नेम वाला हम छूटा हुआ था। तो ये आप कर लीजिए अपडेट इमेज वाला। तो फाइनली हमारा यहाँ पे अपडेट इमेज हो पा रहा है, ठीक है गाइज। और अगर हम टेस्टिंग करके दिखाएं तो डायरेक्टली हम आ जाएंगे अपलोड फाइल वाला है, तो प्रोडक्ट कंट्रोलर में, और जो हम बनाएंगे तो हमारा जो पाथ होगा वो स्लैश प्रोडक्ट, ये स्लैश प्रोडक्ट और फिर प्रोडक्ट, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो ये वाला पाथ हमने तो यहाँ पे पोस्टमैन में बना लिया, और पिछले वाला लैपटॉप में हमारा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रहा था, जो फाइल एक्सेस नहीं कर पा रहा था। एक्चुअली वो कंपनी का लैपटॉप था, तो उसके वजह से प्रॉब्लम कुछ क्रिएट कर रहा था। मैंने अभी थोड़ा लैपटॉप चेंज किया, इसी वजह से मैं लाइन बाय लाइन ये एग्जीक्यूट करके नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये बेसिकली ये हम अब एक रिक्वेस्ट बना लिए हैं, जो रिक्वेस्ट है पोस्ट मैपिंग है और HTTP लोकल होस्ट यहाँ तक, ठीक है, जो कि स्लैश स्लैश प्रोडक्ट, जो कि ये वाला है स्लैश प्रोडक्ट, और ये वाला URL हम रख लेंगे। और लास्ट में ये जो भी ईमेल आईडी, आई मीन जो भी प्रोडक्ट का हम क्या करना चाहें, चेंज करना चाहें, तो फॉर एग्जाम्पल आई मीन प्रोडक्ट नंबर 11 का हम फोटो अपलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे चल जाएंगे।
और यहाँ पे आने के बाद हमें ऑथेंटिकेशंस लगाना पड़ेगा, तो ऑथेंटिकेशंस आप हेडर में भी जाकर लगा सकते हो या यहाँ पे भी लगा सकते हो बियर ऑथेंटिकेशन, और लॉगिन करके टोकन को यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ये चीज़ मैंडेटरी है, ये करना ही पड़ेगा आपको। और फिर बॉडी में क्लिक करने के बाद आप फॉर्म डेटा में यहाँ पे सेलेक्ट करोगे फॉर्म डेटा, ठीक है। फॉर्म डेटा सेलेक्ट करने के बाद आप एक चीज़ का यहाँ ध्यान रखना है, प्रोडक्ट इमेज हम जो यहाँ पे लिखेंगे वही चीज़ सेम लिखना है, क्योंकि यहीं से हम फाइल को उठा रहे हैं। यहाँ पे जो हम लिखे हैं ये प्रोडक्ट इमेज, वो चीज़ सेम होना चाहिए यहाँ पे, ये प्रोडक्ट इमेज यहाँ पे भी वही चीज़ सेम होना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिखेगा, बाय डिफॉल्ट पहले टेक्स्ट रहेगा, इस वाले टेक्स्ट को हम फाइल पे करेंगे तो यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा तो हम कोई भी फाइल फोल्डर अपना सेलेक्ट कर लेंगे। सपोज मैं ये पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ, और इस पिक्चर को सेलेक्ट करने के बाद हम सेंड पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम सेंड पे क्रिएट करेंगे तो आपको दिख रहा होगा जो इमेज नेम है वो इतना बड़ा इमेज नेम है जो कि हम लोग रेंडमली जनरेट कर रहे हैं कोड के मदद से, ठीक है। तो अब हम आ जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप कोई इमेज नहीं दिखेगा, एक ही इमेज दिखेगा। इस इमेज को, एक और इमेज को दिखने के लिए यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और ये रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे तो आपको दोनों इमेज दिख रहा होगा। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये इमेज हमारा अपलोड सक्सेसफुली हो चुका है। तो गाइड्स हमें लगता है कि ये समझ में आया होगा, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग फोटो को गेट कर पाएंगे, APIs बनाएंगे जिसमें सिंगल फोटो को कैसे गेट करें बाय प्रोडक्ट आईडी लगा के। चलिए थैंक यू गाइज आज के लिए बहुत सारा।